गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम थर्ड क्लास के पहले पार्ट के बारे में जानेंगे। पहला पार्ट है प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब क्या होता है? प्रार्थना का मतलब प्रेयर, प्रार्थना। तो देखिए, सभी ने अपने अपने पुस्तकें खोली है, मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हम बालक करते यही विनती, हे ईश्वर जग में रखना शांति, आपस में सबका प्यार बढ़ाना, निंदा और बुराई से बचाना, कर देना क्षमा हे जगत स्वामी, जो हमसे कभी हो जाए गलती। हम बालक करते यही विनती, हे ईश्वर जग में रखना शांति, माता पिता का हम कहना माने, उनको रूप तुम्हारा जाने, रखना उनको सदा साथ हमारे, करे नित तुमसे यही विनती। हम बालक करते यही विनती, हे ईश्वर जग में रखना शांति, दया करे हम सब जीवों पर, दुनिया के दुख मिटाए हम, रहे सदा दयालु बनकर, हो इंसानों में हमारी गिनती। हम बालक करते यही विनती, हे ईश्वर जग में रखना शांति। मैं बोर्ड पर लिखती हूँ, ध्यान से लिखिएगा। हम बालक करते यही विनती, हे ईश्वर जग में रखना शांति, आपस में सबका प्यार बढ़ाना, निंदा और बुराई से बचाना, कर देना क्षमा हे जगत स्वामी, जो हमसे कभी हो जाए गलती। हम बालक करते यही विनती, हे ईश्वर जग में रखना शांति, माता पिता का हम कहना माने, माता पिता का हम कहना माने, उनको रूप तुम्हारा जाने, रखना उनको सदा साथ हमारे, उनको
सदा साथ हमारे, करें तुमसे यही विनती। हम बालक करते यही विनती, हे ईश्वर जग में रखना शांति, दया करें हम सब जीवों पर, दया करें हम सब जीवों पर, दया करें हम सब जीवों पर, दुनिया के रूप निभाए हम, दुनिया के रूप मिटाए हम, रहे सदा दयालु बनकर, हो इंसानों में हमारी गिनती, हमारी गिनती, हम वादा करते यही विनती, यही विनती, हे ईश्वर ध्यान से देखिएगा, और एक बार पढ़ती हूँ। हम बालक करते यही विनती, हे ईश्वर जग में रखना शांति, आपस में सबका प्यार बढ़ाना, निंदा और बुराई से बचाना, कर देना क्षमा हे जगत स्वामी, जो हमसे कभी हो जाए गलती। हम बालक करते यही विनती, हे ईश्वर जग में रखना शांति, माता पिता का हम कहना माने, उनको रूप तुम्हारा जाने, रखना उनको सदा साथ हमारे, करें तुमसे यही विनती। हम बालक करते यही विनती, हे ईश्वर जग में रखना शांति, दया करें हम सब जीवों पर, दुनिया के दुख मिटाए हम, रहे सदा दयालु बनकर, हो इंसानों में हमारी गिनती। हम बालक करते यही विनती, हे ईश्वर जग में रखना शांति। तो देखिए, हम बालक करते यही विनती, हे ईश्वर जग में रखना शांति। तो बच्चे भगवान से क्या कहकर मैं विनती कर रहे हैं, यानी प्रार्थना कर रहे हैं, सारे दुनिया में हमेशा शांति रखने को कहते हैं। कौन मांग रहे हैं? बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? आपस में सबका प्यार बढ़ाना, निंदा और बुराई से बचाना। तो वो क्या कर रहे हैं? हमें क्या करना चाहिए? हमेशा अपने भाई बहन से और अपने आजू बाजू वालों से हमेशा हमेशा उनसे
प्यार का बर्ताव करना चाहिए और कभी भी हम उससे झगड़ना चाहिए। जैसे भी बात करो प्यार से बात करो, प्यार से देखो, निंदा और बुराई से बचाना। कभी भी किसी को उसकी गलती पर अगर जानबूझ के भी गलती होने पर भी कभी भी उसको बुरे वचन नहीं बोलना चाहिए। बैड वर्ड्स कहते हैं ना, वैसा नहीं करना चाहिए। और हमेशा हमें दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए। निंदा का मतलब है ब्लेम, ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा क्या है, बुरे चीजों से, बुरे लोगों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। कर देना क्षमा हे जगत स्वामी, जो हमसे कभी हो जाए गलती। तो कभी कभार हमसे क्या होता है, जानबूझकर या कभी भी मिस्टेक में कभी तो भी गलती होती है और किसी ना किसी को गाली भी देते हैं। तो जब क्या करना चाहिए हमें, तभी तुरंत क्या करना चाहिए, भगवान से अपने से जो भी गलती हुई है उसे माफी मांगना चाहिए। हम बालक करते यही विनती, हे ईश्वर जग में रखना शांति। माता पिता का हम कहना माने, उनको रूप तुम्हारा जाने। तो हमें हमेशा अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। वो जो भी काम बोले हमें बिना झिझक के हमेशा उनका सादर सम्मान करना चाहिए और हमेशा उनका कहा मानना चाहिए। हमें माता पिता को किसका रूप मानते हैं, हम माता पिता को भगवान का रूप मानते हैं। भगवान तो हमारे साथ नहीं रहते, हमारे साथ केवल अपने माता पिता ही रहते हैं। इसीलिए उन्हें हमें अपने माता पिता को भगवान ही समझना चाहिए। रखना उनको सदा साथ हमारे, करेंगे तुमसे यही विनती। तो हमेशा अपने माता पिता को हमेशा अपने साथ ही रखना चाहिए। यही कहकर हमें हमेशा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। हम बालक करते यही विनती, हे ईश्वर जग में रखना शांति। दया करे हम सब जीवों पर, दुनिया के दुख मिटाए हम। तो हमें क्या है, दया करे हम सब जीवों पर। हमें इस दुनिया में इंसान एक ही नहीं है, पशु पक्षी सभी जानवर है। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, जानवरों के प्रति दया का गुण रखना चाहिए। हमें उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। थोड़े बच्चे क्या करते हैं, पत्थर लेके मारते हैं, लकड़ियां लेके मारते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें हमेशा दया की भाव से देखना चाहिए। और क्या है, दुनिया के दुख मिटाए हम। और किसी की तरह का प्रॉब्लम हो उन्हें बोलते सो, उसमें हमें उनकी मदद करना चाहिए। रहे सदा दयालु बनकर, हो इंसानों में हमारी गिनती। तो हमें क्या है, सदा दयालु यानी हमेशा बोलते सो दयालु, दया का भाव रखना चाहिए। कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। और हमें हमेशा, हम इंसान हैं, ये बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए और हमें इंसानों की तरह ही बर्ताव करना चाहिए। प्रेम का भाव रखना चाहिए, दया का भाव रखना चाहिए और किसी को भी बुरे वचन नहीं बोलना चाहिए और किसी को भी जानबूझकर उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये सब कहकर हम रोज भगवान से विनती करना चाहिए। समझ में है बच्चों? तो आज का होमवर्क तो लिख लिया आप अपने क्लास वर्क में भी, पोएम लिखिए। अगर जिसके पास टेक्स्ट बुक है टेक्स्ट बुक में देख कर लिखिए, अगर जिसके पास टेक्स्ट बुक्स नहीं है, मैं बोर्ड पे लिखा है ना, पूरा देख कर लिखिए। और इस पार से कुछ कठिन शब्द, देखिए कठिन शब्द। कठिन शब्द यानी हार्ड वर्ड्स। पहला विनती, दूसरा ईश्वर, शांति, नेक्स्ट प्यार, बुराई, नेक्स्ट गलती, नेक्स्ट
सदा। नेक्स्ट इंसान, दयालु। नेक्स्ट जीव, नेक्स्ट दुनिया। नेक्स्ट गिनती। नेक्स्ट जग। नेक्स्ट बढ़ाना। नेक्स्ट क्षमा। होमवर्क है, कंप्लीट द क्लास कर दी। कंप्लीट द क्लास वर्क। थैंक यू।